नमस्ते दोस्तों, मैं उर्मिला सालुंखे। वेलकम टू विवेकानंद एकेडमी ऑफ ह्यूमन एक्सेलेंस। स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं सब्जेक्ट हिंदी, सातवीं कक्षा से लेसन क्रमांक 15, जिसका नाम है नीलकंठ। लेसन का नाम क्या है? नीलकंठ। और इसकी लेखिका है महादेवी वर्मा जी। उस दिन एक अतिथि को स्टेशन पहुंचाकर मैं लौट रही थी कि चिड़ियों और खरगोशों की दुकान का ध्यान आ गया और मैंने ड्राइवर को उसी ओर चलने का आदेश दिया। अतिथि यानी मेहमान। उस दिन लेखिका जब अतिथि यानी मेहमान को स्टेशन पहुंचाकर लौट रही थी कि तब उन्हें चिड़ियों और खरगोश की दुकान का ध्यान आ गया और उन्होंने ड्राइवर को उसी ओर चलने का आदेश दिया। बड़े मियाँ चिड़िया वाले की दुकान के निकट पहुँचते ही उन्होंने सड़क पर आकर ड्राइवर को रुकने का संकेत दिया। संकेत यानी इशारा। मेरे कोई प्रश्न करने के पहले ही उन्होंने कहना आरंभ किया। आरंभ यानी शुरू किया। चिड़ियमार मतलब क्या? पक्षियों का शिकार करने वाला। बड़े मियाँ चिड़िया वाले, सलाम गुरुजी, पिछली बार आने पर आपने मोर के बच्चों के लिए पूछा था। शंकरगढ़ से एक चिड़ीमार, चिड़ीमार यानी पक्षियों का शिकार करने वाला चिड़ीमार, दो मोर के बच्चे पकड़ लाया है। एक मोर है, एक मोरनी, आप पाल ले। मोर के पंजों से दवा बनती है, सो ऐसे ही लोग खरीदने आए थे। आखिर मेरे सीने में भी तो इंसान का दिल है, सीना यानी हृदय। मारने के लिए ऐसी मासूम चिड़ियों को कैसे दूं? टालने के लिए मैंने कह दिया, गुरु जी ने मंगवाए हैं। लेखिका को उन्हें क्या, वो क्या कहता है? गुरु जी ने मंगवाए हैं। वैसे यह कमबख्त रोजगार ही खराब है। बस पकड़ो पकड़ो, मारो मारो। बड़े मियाँ के भाषण की तूफान मेल के लिए कोई निश्चित स्टेशन नहीं है। मतलब क्या? ये जो बड़े मियाँ जो हैं, एक बार बोलना शुरू करते हैं तो जिस प्रकार से मेल ट्रेन कहीं रुकती नहीं है, वैसे बहुत जगह पे नहीं रुकती है, वैसे ही इनके साथ होता है। सुनने वाला थक कर जहाँ रोक दे वही स्टेशन मान लिया जाता है। इस तथ्य से परिचित होने के कारण, परिचित मतलब जान पहचान होने के कारण ही मैंने बीच में उन्हें रोक कर पूछा, मोर के बच्चे है कहाँ? बड़े मियाँ के हाथ के संकेत यानी इशारा। संकेत के अनुसरण करते हुए, अनुसरण करना मतलब उनकी कहा जो वैसे करना। संकेत का अनुसरण करते हुए मेरी दृष्टि एक तार के छोटे से पिंजड़े तक पहुंची, जिसमें तीतर के समान दो बच्चे बैठे थे। पिंजड़ा इतना संकीर्ण यानी छोटा था कि वे पक्षी शावक मतलब पक्षियों के बच्चे, पक्षी शावक जाली के गोल फ्रेम में किसी जड़े चित्र जैसे लग रहे थे। मेरे निरीक्षण के साथ साथ बड़े मियाँ की भाषण में चली चली जा रही थी। मतलब बड़े मियाँ बोलते ही जा रहे थे, ईमान कसम गुरुजी, चिड़ी मार ने मुझसे इस मोर के जोड़े के नकद 30 रुपए लिए हैं। 12 कहा? भाई जरा सोच तो। 12 का मतलब बहुत बार कहा। भाई जरा सोच तो, अभी इनमें मोर की कोई खासियत भी है? खासियत मतलब कोई यहाँ पर इम्पोर्टेंट ऐसी चीज़ दिखाई नहीं देती है, कुछ खास नहीं है कि तू इतनी बड़ी कीमत मांगने चला? पर वह मूंजी
मूंजी मतलब कंजूस। पर वहां मूंजी क्यों सुनने लगा? आपका ख्याल करके अचता पचता कर देना ही पड़ा। अब आप जो मुनासिब समझो, ख्याल मतलब विचार, मुनासिब मतलब सही, अस्तु, 30 चिड़ीमार के नाम और 5 बड़े मियाँ के ईमान के देखकर मैं जब मैंने वह छोटा पिंजड़ा कार में रखा, तब मानो वह जाली के चौखटे का चित्र जीवित हो गया। मतलब पंछी क्या करने लगे, इधर उधर थोड़ा सा घूमने लगे। दोनों पक्षी शावकों को छटपटाने से लगता था, मानो पिंजड़ा ही सजीव और उड़ने योग्य हो गया है। घर पहुंचने पर सब कहने लगे, तीतर है, मोर का कर ठग लिया है। कदाचित अनेक बार ठगे जाने के कारण, ठग जाना मतलब दूसरों के हाथों क्या हो जाना, फंसाए जाना। कदाचित अनेक बार ठगे जाने के कारण ही ठगे जाने की बात मेरे चिढ़ जाने की दुर्बलता बन गई है। अप्रसन्न होकर मैंने कहा, मोर के क्या सुरखाब के पर लगे हैं? सुरखाब मतलब क्या होता है, एक प्रकार का कलरफुल, एक सुंदर पक्षी होता है तो पक्षी ही, चिढ़ा दिया जाने के कारण ही संभवतः उन दोनों पक्षियों के प्रति मेरे व्यवहार और यज्ञ में कुछ विशेषता आ गई। मतलब लेखिका उनकी तरफ बहुत अच्छे से ध्यान देने लगी थी। पहले अपने पढ़ने लिखने के कमरे में उनका पिंजड़ा रख कर उसका दरवाज़ा खोला, फिर 2 कटोरों में सत्तू की छोटी छोटी गोलियां और पानी रखा। वे दोनों चूहेदानी जैसे पिंजड़े से निकलकर कमरे में मानो हो गए। कभी मेज के नीचे घुस गए, कभी अलमारी के पीछे। अंत में इस लुका छिपी मतलब छुपा छुपी, हाइड एंड सीक, लुका छिपी से थक कर उन्होंने मेरी रद्दी कागजों की टोकरी को अपने नए बसेरे का गौरव प्रदान किया। बसेरा मतलब जहाँ पर हम रहने के लिए जगह बनाते हैं, उसको कहते हैं बसेरा। 2-4 दिन में इसी प्रकार दिन में इधर उधर गुप्तवास करते, गुप्तवास मतलब छिप कर रहना, और रात में रद्दी की टोकरी में प्रकट होते। फिर आश्वस्त हो जाने पर, आश्वस्त यानी संतुष्ट, सेफ, फिर आश्वस्त हो जाने पर कभी मेरी मेज पर, कभी कुर्सी पर और कभी मेरे सिर पर अचानक आविर्भूत होने लगे, आविर्भूत सामने आने लगे, उत्पन्न होने लगे, आकर खड़े रहने लगे। खिड़कियों में तो जाली लगी थी पर दरवाजा मुझे निरंतर बंद रखना पड़ता था। निरंतर मतलब बहुत देर तक खुला रहने पर चित्रा, मेरी बिल्ली, इन नवागतों का पता लगा सकती थी। नवागतों, नए मेहमान, अभी पता लगाना मतलब क्या, आक्रमण करना उनका, और तब उसके शोध का क्या परिणाम होता, यह अनुमान करना कठिन नहीं है, क्योंकि वो तो क्या करती, उनको आक्रमण करके उनके ऊपर हल्ला करके खा लेती। वैसे वह चूहों पर भी आक्रमण नहीं करती, परंतु यहाँ तो सर्वथा अपरिचित पक्षियों की अनाधिकार चेष्टा का प्रश्न था। चेष्टा मतलब कोशिश, अनाधिकार मतलब कि जिनका कोई अधिकार ना हो और वो अब अधिकार जमाने के लिए आए हैं, तो मैं भी ऐसा हो सकता है। उसके लिए दरवाज़ा बंद रहे और ये दोनों उसकी दृष्टि में ऐरे गहरे मतलब कि जानना पहचान, तू मेरा मेहमान, मेज को अपना सिंहासन बना ले। यह स्थिति चित्रा जैसी अभिमानी मार्जारी, अभिमानी मतलब घमंडी, मार्जारी मतलब बिल्ली के लिए असह्य
ही कही जाएगी। असह्य सहन न कर पाना। जब मेरे कमरे का कायाकल्प मतलब शरीर की बनावट, जब मेरे कमरे का कायाकल्प चिड़ियाखाने के रूप में होने लगा कमरे का, तब मैंने बड़ी कठिनाइयों से दोनों चिड़ियों को पकड़कर जाली के बड़े घर में पहुंचाया, जो मेरे जीव जंतुओं का सामान्य निवास है। मतलब लेखिका के पास अलग प्रकार के पशु पक्षी पंछी रहते थे, उनके लिए उन्होंने एक बहुत बड़ा रहने का एक जगह बड़ा घर जाली से बनाया हुआ था, वहाँ पर इन दोनों को भी पहुँचाया गया। दोनों नवागतुकों ने पहले से रहने वालों में वैसा ही कुतूहल जगाया, कुतूहल यानी जिज्ञासा, जैसा नववधु के आगमन पर परिवार में स्वाभाविक है। नववधु मतलब क्या? नई दुल्हन। लक्का कबूतर नाचना छोड़कर दौड़ पड़े और उनके चारों ओर घूम घूम कर गुटर घूम की रागिनी आलापने लगे। मतलब क्या करने लगे? अपनी आवाजें निकालने लगे। बड़े खरगोश सभ्य सभासदों के समान क्रम से बैठकर गंभीर भाव से उनका निरीक्षण करने लगे, देखने लगे। उनकी गेंद जैसे छोटे खरगोश उनके चारों ओर उछल कूद मचाने लगे। तोते मानो भली भांति देख, भली भांति मतलब ठीक तरह से, तोते मानो भली भांति देखने के लिए एक आंख बंद करके उनका परीक्षण करने लगे। परीक्षण करना क्या? परखना। सभ्य मतलब शिष्ट, गंभीर मतलब सोच विचार के भावों से। उस दिन मेरे चिड़ियाघर में मानो भूचाल आ गया, हंगामा होने लगा, इधर का उधर, उधर का इधर। धीरे धीरे दोनों मोर के बच्चे बढ़ने लगे। उनका कायाकल्प का मतलब क्या है? शरीर की बनावट। उनका कायाकल्प वैसा ही क्रमशः और रंगमय था जैसा इल्ली से तितली का बनना। इल्ली से तितली का मतलब बटरफ्लाई, पहले तो कीड़े के रूप में होता है उसको कहते हैं इल्ली, और फिर उसका क्या बन जाता है? बटरफ्लाई। मोर के सिर की कलगी और सघन ऊंची तथा चमकीली हो गई। चोंच अधिक बंकिम और पैनी हो गई। बंकिम यानी टेढ़ी और पैनी मतलब तेज। लंबी नील हरित ग्रीवा की हर भंगिमा में धूप छाई तरंगे उठने गिरने लगी। चोंच क्या हो गई? अधिक बंकिम और पैनी हो गई। गोल आंखों में इंद्रणी, इंद्रणी मतलब क्या? इंद्रमणि। इंद्रणी की नीलाभ, नीलाभ मतलब नीली। द्युति मतलब चमक, द्युति झलकने लगी। लंबी नील हरित ग्रीवा, ग्रीवा मतलब क्या? गर्दन। हर भंगिमा, भंगिमा मतलब हाव भाव। हर भंगिमा में धूप छाई तरंगे उठने गिरने लगी। दक्षिण वाम दोनों पंखों में सलेटी और सफ़ेद आलेखन स्पष्ट होने लगे। यहाँ पर मोर के अंदर जो बड़े होने से जो बदलाव होते हैं उसके स्पष्ट निशान दिखने लगे और उसी प्रकार के बदल दिखाई देने लगे। पंखों पर चंद्रिकाओं के इंद्रधनुषी रंग उद्दीप्त हो उठे, उद्दीप्त चमकने लगे। रंग रहित पैरों का देखो रंग ठीक तरह से नहीं होता है। रंग रहित पैरों को गर्वीली गति ने एक
नई गरिमा, गरिमा मतलब क्या, गौरव। नई गरिमा से रंजित मतलब रंगा हुआ खुश, रंजित कर दिया। उसका गर्दन ऊंची कर देखना, विशेष भंगिमा यानी हाव भाव के साथ नीची कर दाना चुगना, पानी पीना टेढ़ी कर शब्द सुनना। आदि क्रियाओं में जो सुकुमारता, सुकुमारता नाजुकता, जो सुकुमारता और सौंदर्य था उसका अनुभव देखकर ही किया जा सकता है। गति का चित्र नहीं आका जा सकता, आका मतलब चित्र, नहीं आका जा सकता। मोरनी का विकास मोर के समान चमत्कारिक तो नहीं हुआ, परंतु अपनी लंबी धूप छाही गर्दन, हवा में चंचल कलगी, पंखों की श्याम श्वेत, श्याम मतलब काला और श्वेत मतलब सफेद, श्याम श्वेत पत्र लेखा मतलब अंकित स्वरूप, मंथर गति मतलब धीरे धीरे चलना आदि से वह भी मोर की उपयुक्त सहचारिणी, सहचारिणी साथ चलने वाली होने का प्रमाण देने लगी। नीलाभ मतलब नीली, ग्रीवा मतलब गर्दन, नीलाभ ग्रीवा होने के कारण मोर का नाम रखा गया नीलकंठ, और उसकी छाया के समान रहने के कारण मोरनी का नामकरण हुआ राधा। मुझे नामकरण मतलब उनके नाम रखे गए। मुझे स्वयं ज्ञात, ज्ञात मतलब मालूम नहीं कि कब नीलकंठ ने अपने आप को चिड़ियाघर के निवासी मतलब रहने वाले जीव जंतुओं का सेनापति मतलब हेड, जीव जंतुओं का सेनापति और संरक्षक, संरक्षक मतलब क्या, रक्षा करने वाला नियुक्त कर लिया। नियुक्त मतलब वहां पर उसने उस जगह पर खुद को प्रेजेंट करना शुरू किया। सवेरे ही वह सब खरगोश कबूतर आदि की सेना एकत्र कर उस ओर ले जाता जहाँ दाना दिया जाता है, और घूम घूम कर मानो सबकी रखवाली करता रहा। किसी ने कुछ गड़बड़ की और वह अपने तीखे चंचु प्रहार मतलब क्या, चोंच से प्रहार करना, चंचु प्रहार से उसे दंड देने दौड़ दौड़ा। दंड मतलब सजा। खरगोश के छोटे बच्चों को वह चोंच से उनके कान पकड़कर ऊपर उठा लेता था, और जब तक वे आर्तक्रंदन मतलब पीड़ा से कराहना न करने लगते, उन्हें अधर में लटकाए रखता, अधर मतलब ऊपर के ऊपर, कभी कभी उसकी पैनी चोच से खरगोश के बच्चों का कर्णवेध संस्कार हो जाता। कर्णवेध मतलब कानों को बेधना। हम भी देखो कानों को क्या करते हैं, होल लगाते हैं ना, कर्णवेध संस्कार हो जाता था। पर वे फिर कभी उसे क्रोधित होने का अवसर न देते थे। एक बार अगर किसी के साथ ऐसे होता था तो बाद में दोबारा वो ऐसा नहीं होने देते थे, वो उसकी बात को मानकर आगे चलते थे। दंड विधान के समान, दंड विधान मतलब रूल्स और रेगुलेशंस के समान ही उन जीव जंतुओं के प्रति उसका प्रेम भी असाधारण था। प्रायः वह मिट्टी में पंख फैल कर बैठ जाता और वे सब उसकी लंबी पूंछ और सघन पंखों में छुअल सा खेलते रहते थे, हाइड एंड सीक। ऐसी ही किसी स्थिति में एक सांप जाली के भीतर पहुंच गया। सब जीव जंतु भागकर इधर उधर छिप गए। केवल एक शिशु, शिशु यानी छोटा खरगोश सांप की पकड़ में आ
ये देखो यहाँ पे पिक्चर है, सांप की पकड़ में आ गया निगलने के प्रयास में। निगलना मतलब खाना, मुंह में डालकर निगलने के प्रयास में सांप ने उसका आधा पिछला शरीर तो मुंह में दबा रखा था, शेष यानी जो बचा हुआ था वो बाहर था। उससे चींची का स्वर भी इतना तीव्र यानी बड़ा नहीं निकल सकता था कि किसी को स्पष्ट सुनाई दे, मतलब अंदर ही अंदर आवाज उसकी दब रही थी। नीलकंठ दूर ऊपर झूले में सो रहा था, उसी के चौकन्ने कानों ने उस मंद स्वर की व्यथा पहचानी। उसको पता चला कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। वह पूंछ पंख समेटकर सर से एक झपट्टे में नीचे आया, संभवतः अपनी सहज चेतना, चौकन्ना मतलब सतर्क, मंद मतलब धीमा, व्यथा मतलब दुख, सहज मतलब सरलता से, चेतना मतलब बुद्धि, सहज चेतना से ही उसने समझ लिया होगा कि सांप के फन पर चोंच मारने से खरगोश भी घायल हो सकता है। उसने सांप को फन के पास पंजों से दबाया और फिर चोंच से इतने प्रहार किए कि वह अधमरा हो गया। अधमरा मतलब आधा मरा हो गया। पकड़ ढीली पड़ते ही खरगोश का बच्चा मुख से निकल तो आया, परंतु निश्चेष्ट सा वही पड़ा रहा, निश्चेष्ट बेहोश। राधा ने सहायता देने की आवश्यकता नहीं समझी, सहायता मतलब मदद, परंतु अपनी मंद केका से, केका मतलब मोर की आवाज को केका कहते हैं, अपनी मंद केका से किसी असामान्य घटना की सूचना सब ओर प्रसारित कर दी, प्रसारित यानी फैला। हमें पता नहीं, आपको पता नहीं है, देखो ये जो पंछी होते हैं ना, वह भी कौन से समय पर किस प्रकार की आवाज़ निकालकर पशु पंछियों को क्या करते हैं, जागृत करते हैं। माली पहुंचा, फिर हम सब पहुंचे। नीलकंठ जब सांप के दो खंड कर चुका, खंड यानी टुकड़े, तब उस शिशु, शिशु यानी छोटा बच्चा, तब उस शिशु खरगोश के पास गया और रात भर उसे पंखों के नीचे रखे उष्णता यानी गर्मी देता रहा। कार्तिकेय, भगवान शंकर का पुत्र कार्तिकेय ने अपने युद्ध वाहन के लिए मयूर को क्यों चुना होगा, यह उस पक्षी का रूप और स्वभाव देखकर समझ में आ जाता है। मयूर कलाप्रिय वीर पक्षी है, हिंसक मात्र नहीं, हिंसक यानी क्रूर, हिंसक मात्र नहीं है, इसी से उसे बाज, चील आदि की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता, जिनका जीवन ही क्रूर कर्म है, कर्म यानी कार्य और क्रूर मतलब हिंसक। नीलकंठ में उसकी जातिगत विशेषताएं तो थी ही, उनका मानवीकरण भी हो गया। देखो पंछी की एक पंछी का एक विशेषता होती है, लेकिन इसका साथ में ही इंसान के जैसा भी उनका जीवन होने लगा था। मेघों की सावली छाया में इंद्रधनुष के गुच्छे जैसे पंखों को मंडलाकार, मंडलाकार यानी गोल, मंडलाकार बनाकर जब नाचता था, तब उस नृत्य में एक सहजात लय ताल रहता था। आगे पीछे दाहिने बाहिने क्रम से घूमकर वह किसी अलक्ष्य, अलक्ष्य अदृश्य सम पर ठहर जाता था, ठहर ठहर जाता था समय यानी ताल पर। राधा नीलकंठ के समान नहीं नाच सकती थी, परंतु उसकी गति में भी एक छंद रहता था।
वह नृत्य मग्न नीलकंठ की दाहिनी ओर के पंख को छूती छूती हुई बाई ओर निकल आती थी और बाएं पंख को स्पर्श यानी टच करना छूना स्पर्श कर दाहिनी ओर। इस प्रकार उसकी परिक्रमा, परिक्रमा मतलब क्या, एक सर्कल, उसकी परिक्रमा में भी एक पूरक ताल परिचय मिलता था। नीलकंठ ने कैसे समझ लिया था कि उसका नृत्य मुझे भाता है, लेखिका को यह बात पता चली, लेकिन ये नहीं पता चला कि उन्हें कैसे, उसे कैसे पता था, यह तो नहीं बताया जा सकता, नृत्य यानी डांस, नाच। परंतु अचानक एक दिन वह मेरे जाली घर के पास पहुंचते ही अपने झूले से उतरकर नीचे आया और पंखों को सतरंगी, सतरंगी मतलब सात रंगों का, सतरंगी मंडलाकार मतलब सर्कल छाता तान कर नृत्य की भंगिमा में खड़ा हो गया। भंगिमा मतलब हाव भाव। तब से यह नृत्य भंगिमा नित्य का क्रम बन गई। मतलब जब भी लेखिका आती थी तो वह क्या करता था, इस तरह से लेखिका के सामने डांस करता था। प्रायः मेरे साथ कोई न कोई विदेशी, देशी विदेशी अतिथि यानी मेहमान भी पहुंच जाता था और नीलकंठ की मुद्रा को अपने प्रति सम्मान पूर्वक समझकर विस्मयाभिभूत हो उठता था। विस्मयाभिभूत मतलब क्या, आश्चर्यचकित। कई विदेशी महिलाओं ने उसे परफेक्ट जेंटलमैन की उपाधि दे डाली, मतलब उसी नाम से वो उसको कहने लगे। जिस नुकीली पैनी चोच से वह भयंकर विषधर को खंड खंड कर सकता था, उसी से मेरी हथेली पर रखे हुए भूने चने ऐसी कोमलता से हौले हौले मतलब धीरे धीरे उठाकर खाता था कि हंसी भी आती थी और विस्मय भी होता था। विस्मय यानी आश्चर्य। फलों के वृक्षों से अधिक उसे पुष्पित मतलब फूल वाले और पल्लवित मतलब पत्तों वाले वृक्ष भाते थे। पुष्पित मतलब खिले हुए और पल्लवित मतलब पत्तों से भरे हुए और भाते मतलब अच्छे लगते थे, पसंद आते थे। वसंत में जब आम के वृक्ष सुनहली मंजरियों से लद जाते थे, देखो छोटे 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 क्या होते हैं, आम आने से पहले फूलों के जैसे आता है उसको कहते हैं मंजरी। अशोक नए लाल पल्लवों से ढक जाता था, पल्लव मतलब पत्ते। तब जाली घर में वह इतना अस्थिर हो उठता, अस्थिर यानी बेचैन, कि उसे बाहर छोड़ देना पड़ता। नीलकंठ और राधा की सबसे प्रिय ऋतु तो वर्षा ही थी, मोरों की सबसे प्रिय ऋतु बारिश ही होती है। मेघों के उमड़ आने से पहले ही वे हवा में उसकी सजल आहट पा लेते थे, मतलब उनको पहले से ही इस बात का एहसास होता था। और तब उनकी मंदकेका की गूंज अनगूंज, मंदकेका मोर की धीमी आवाज, गूंज अनगूंज बार बार गूंजना, गूंज अनगूंज तीव्र से तीव्रतर होती हुई मानो बूंदों के उतरने के लिए सोपान पंक्ति बनने लगती। सोपान मतलब सीढ़ी। मेघ के गर्जन के ताल पर ही उसके तन्मय, तन्मय मतलब एकाग्र नृत्य का आरंभ होता और फिर मेघ जितना गरजता, बिजली जितनी अधिक चमकती, बूंदों की रिमझिमाहट जितनी तीव्र होती जाती, नीलकंठ के नृत्य का वेग उतना ही अधिक बढ़ जाता और उसकी केका का स्वर उतना ही मंद्र से मंद्रतर हो जाता, मतलब बढ़ते बढ़ते धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते जाता। वर्षा के थम जाने पर वह दाहिने पंजे पर दाहिना पंखा
और बाएं पंख पर बायां पंख फैलाकर सुखाता। कभी कभी मंद्र मतलब तेज, कभी कभी वे दोनों एक दूसरे के पंखों से टपकने वाले बूंदों को चोंच से पी पी कर पंखों का गीलापन दूर करते। इस आनंदोत्सव मतलब आनंद का उत्सव, मन को भाने वाला आनंदोत्सव की रागिनी में बेमेल, कि जिसका कोई मेल नहीं है, बेमेल स्वर कैसे बज उठा, यह भी एक करुण, मन करुण यानी मन को छू लेने वाला करुण कथा है। एक दिन मुझे किसी कार्य से नखास कोने से निकलना पड़ा। अभी ये नखास कोना क्या होता है कि जहाँ पर पशु पंछियों का बाजार होता है उस जगह को कहते हैं नखास कोना। निकलना पड़ा और बड़े मियाँ ने पहले के समान कार को रोक लिया। इस बार किसी पिंजड़े की ओर नहीं देखूंगी, यह संकल्प ने निश्चय, यह संकल्प करके मैंने बड़े मियाँ की विरल दाढ़ी और सफ़ेद डोर से कान में बंधी ऐनक को ही अपने ध्यान का केंद्र बनाया। पर बड़े मियाँ के पैरों के पास जो मोरनी पड़ी थी उसे अनदेखा करना कठिन था। अनदेखा मतलब कि देख कर भी नहीं देखने के जैसा। मोरनी राधा के समान ही थी, उसके मूंज से बंधे दोनों पंजों की उंगलियां टूट कर इस प्रकार हो गई थी, मूंज यानी रस्सी हो गई थी कि वह खड़ी ही नहीं हो सकती थी। बड़े मियाँ की भाषण में फिर दौड़ने लगी। देखिए गुरुजी, कमबख्त चिड़ियमान ने बेचारी का क्या हाल किया है, ऐसे कभी चिड़िया पकड़ी जाती है, आप न आई होती तो मैं उसी के सिर पर इसे पटक देता, पर आपसे भी यह अधमरी मोरनी ले जाने को कैसे कहूँ। सारांश यह कि 7 रुपये देकर मैं उसे अगली सीट पर रखवा कर घर ले आई। लेखिका ने उसे 7 रुपये में खरीदा और एक बार फिर मेरे पढ़ने लिखने का कमरा अस्पताल बना। पंजों की मरहम पट्टी और देखभाल करने पर वह महीने भर में अच्छी हो गई। उंगलियां वैसी ही टेढ़ी मेढ़ी रही, परंतु वह ठूंठ जैसे पंजों पर डगमगाती हुई चलने लगी। तब उसे जाली घर में पहुंचाया गया और नाम रखा गया कुब्जा। कुब्जा यानी कि जो ठीक तरह से पैरों पर अपने चल नहीं सकता है उसे कहते हैं कुब्जा। नाम के अनुरूप वह स्वभाव से भी कुब्जा प्रमाणित हुई। अब तक नीलकंठ और राधा साथ साथ रहते थे, अब कुब्जा उन्हें साथ देखते ही मारने दौड़ती। चोंच से मार मार कर उसने राधा की कलगी नोच डाली। नोचना मतलब उसने उसको क्या किया, घायल कर दिया, पंख नोच डाले। कठिनाई यह थी कि नीलकंठ उससे दूर भागता था, किससे, कुब्जा से, और वह उसके साथ रहना चाहती थी। न ही किसी जीव जंतु से उसकी मित्रता थी, मित्रता यानी दोस्ती, न वह किसी को नीलकंठ के समीप आने देना चाहती थी, समीप यानी पास। उसी बीच राधा ने 2 अंडे दिए, दोनों जिनको वह पंखों में छिपाए बैठी रहती थी। पता चलते ही कुब्जा ने चोंच मार मार कर राधा को ढकेल दिया। ढकेलना मतलब क्या किया, उसको सरका दिया और फिर अंडे फोड़ कर ठूंठ जैसे पैरों से सब और छितरा दिए। फोड़ कर मतलब तोड़ना, छितराना मतलब फैला फैला दिए। इस कलह कोलाहल, कलह मतलब झगड़ा और कोलाहल मतलब शोर से, और उससे भी अधिक राधा की दूरी से बेचारे नीलकंठ की प्रसन्नता का अंत हो गया। प्रसन्नता खुशी। कई बार वह जाली के घर से निकल भागा,
एक बार कई दिन भूखा पैसा आम की शाखाओं में छिपा बैठा रहा। शाखा मतलब टहनियों में, जहां से बहुत पुचकार कर मैंने उतारा, लेखिका ने उसको उतारा। एक बार मेरी खिड़की की शेड पर छिपा रहा। मेरा दाना देने जाने पर वह सदा की भांति पंखों को मंडला कर बनाकर खड़ा हो जाता था। पुचकार कर मतलब क्या? प्यार से समझा कर। पर उसकी चाल में थकावट और आंखों में शून्यता रहती थी। मतलब पहले जैसा बिल्कुल भी फ्रेशनेस उसके अंदर दिखाई नहीं देता था। अपनी अनुभवहीनता के कारण ही मैं आशा करती रही कि थोड़े दिन बाद सब में मेल हो जाएगा। मेल मतलब मिलन। लेखिका को इसके बारे में इतना कुछ अनुभव नहीं था, तो उन्हें ऐसे लगा कि कुछ दिनों के बाद ये जब पुराने हो जाएंगे तो सब ठीक हो जाएगा। अंत में 3-4 मास के उपरांत, उपरांत मतलब बाद में, एक दिन सवेरे जाकर देखा कि नीलकंठ पूंछ पंख फैलाए धरती पर उसी प्रकार बैठा हुआ है जैसे खरगोश के बच्चों को पंखों में छिपा कर बैठता था। मेरे पुकारने पर भी उसके न उठने पर संदेह यानी शक हो गया। वास्तव में नीलकंठ मर गया था। क्यों का उत्तर तो अब तक नहीं मिल सका है। ना उसे कोई बीमारी हुई, ना उसके रंग बिरंगे फूलों के स्तबक, स्तबक यानी चितकबरा कलर, स्तबक जैसे शरीर पर किसी चोट का चिन्ह मिला। मैं अपने शाल में लपेट कर उसे संगम ले गई। जब गंगा की बीच धार में, संगम यानी गंगा यमुना व सरस्वती जहाँ मिलते हैं उन नदियों को क्या कहते हैं? संगम। तब उसके पंखों की गंगा की बीच जब गंगा की बीच धार में उसे प्रवाहित किया गया, तब उसके पंखों की चंद्रिकाओं से बिंबित प्रतिबिंबित, बिंबित प्रतिबिंबित, छाया प्रतिछाया, रिफ्लेक्शन होकर गंगा का चौड़ा पाट एक विशाल मयूर के समान तरंगित हो उठा। नीलकंठ के न रहने पर राधा तो निश्चेष्ट, निश्चेष्ट मतलब बेहोश, निश्चेष्ट सी कई दिन कोने में बैठी रही। वह कई बार भागकर लौट आया था, अतः वह प्रतीक्षा के भाव से, प्रतीक्षा मतलब इंतजार, प्रतीक्षा के भाव से द्वारे नहीं दरवाजा, भाव से दरवाजे पर दृष्टि लगाई रहती थी। पर कुब्जा ने कोलाहल मतलब शोर के साथ खोज ढूंढ आरंभ की। खोज के क्रम में वह प्रायः जाली का दरवाजा खुलते ही बाहर निकल आती थी। मतलब पहले क्या करती थी? खोजने के लिए वो जाली का दरवाजा बाहर निकलती आती थी और आम अशोक कचनार आदि की शाखाओं में नीलकंठ को ढूंढती रहती थी। एक दिन आम से उतरी ही थी कि कजली, क्या है ये, अल्सेशियन कुत्ती सामने पड़ गई। स्वभाव के अनुसार उसने कजली पर भी चोंच से प्रहार किया, प्रहार मतलब आघात किया। परिणामतः कजली के दो दांत उसकी गर्दन पर लग गए। इस बार उसका कलह कोलाहल, झगड़ा शोर शराबा और द्वेष प्रेम भरा जीवन बचाया न जा सका। परंतु इन तीन पक्षियों ने मुझे पक्षी प्रकृति की विभिन्नता का जो परिचय दिया है वह मेरे लिए विशेष महत्व रखता है, क्योंकि यहाँ पर स्टोरी ही ऐसी बन गई थी। राधा अब प्रतीक्षा में ही दुकेली है, दुकेली दो होने पर भी अकेली। आषाढ़ में जब आकाश मेघा छन्न मतलब बादलों से घिरे हुए हो जाता है, तब वह कभी ऊंचे झूले पर और कभी अशोक की डाल पर अपनी केका को तीव्रतर करके नीलकंठ को बुलाती रहती है। और इसी प्रकार से इस ट्रेजिडी कथा का एंड।